9 जुलाई को बड़ौता रेलवे फाटक पर मिले महिला के शव के मामले में पति ने हत्या की आशंका जताई है। मामले में पति ने वृंदावन कोतवाली में नामजद के विरुद्ध तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। अकबरपुर निवासी वेदपाल के अनुसार उसकी पत्नी हीरा देवी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या कर शव को रेलवे पटरी पर डाला गया था। शिकायतकर्ता वेदपाल के अनुसार उसकी पत्नी 8 जुलाई को सुबह 9 बजे घर से बिना बताए कहीं निकल गई थी। वहीं 9 जुलाई को चौमुहा के गांव बड़ौता रेलवे फाटक पर उसका शव क्षत विच्छत हालत में पड़ा हुआ मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। 12 जुलाई को गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा पता चलने पर वेदपाल बड़ौता के रेलवे फाटक पर तैनात एक कर्मचारी से मिले, जिसके द्वारा मोबाइल में मृतक महिला के कपड़े और चेहरा देखकर उसने मृतका की पहचान अपनी पत्नी के रूप में की, जिसके बाद मृतका के शव को ले जाकर अंतिम संस्कार किया। वेदपाल के अनुसार उसके 14 वर्षीय पुत्र ने अपनी माँ पर मोबाइल होने की बात बताई थी, जबकि मोबाइल यूज करने की बात घर में किसी को भी पता नहीं थी। यह भी बताया कि वह किसी से बात करती थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सियाना गांव के नामजद युवक ने उसकी पत्नी को ले जाकर उसकी हत्या की है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने वृंदावन पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। वेदपाल सिंह जी, क्या मामला हुआ है, स्थानीय आए? सर जी, मेरी पत्नी को पिछले 9 जुलाई को मार के रेलवे ट्रैक में चौमा बड़ौता फाटक के पास डाल दिया गया आत्महत्या का दर्शाने के लिए। जबकि मुझे पूरा शक है कि वो आत्महत्या नहीं थी। मेरी पत्नी की हत्या करने के बाद सबको रेलवे ट्रैक पर डाला गया। किस पे शक है आपको? और ये सारा काम पड़ोसी गांव में हमारा सियाना उसका रहने वाला लड़का सोनू सनोप चंदन सिंह, मुझे पूरा यकीन है ये उसी ने किया हुआ है। उसे सब कुछ पता है, जिसकी कि मेरी पत्नी से मोबाइल पे बातें होती रहती थी और उसके मोबाइल नंबर उस दिन से दोनों नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं। किस तारीख को आपकी पत्नी घर से निकली थी? ये 8 तारीख को सुबह 9 बजे निकली थी और जय चौकी वालों को ये 9 तारीख को करीब 11:30-12 के लगभग वहाँ रेलवे ट्रैक पे कटी हुई अवस्था में मिली है। सबका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ था? जी, सबका पोस्टमार्टम हुआ। हमें डेड बॉडी उसी दिन मिली 12 तारीख को। उसके बाद आपने फिर अंतिम संस्कार वगैरह कर दिया? जी, अंतिम संस्कार हमने यहाँ वृंदावन लाके मिले। तो इतने दिन बाद आपको कैसे पता चला कि ये काम उसी लड़के का है? सर, उसका काम इसलिए है कि मेरे बच्चे ने बताया मुझे अब बाद में कि पापा मम्मी के पास में एक मोबाइल पकड़ा था जिसमें कि सोनू जो लड़का है सोनू है उसका नंबर अक्सर बातचीत रिकॉर्डिंग उसने देखी, कॉल डिटेल देखी, उसने बाद में बताया। तो अब आप वृंदावन कोतवाली में आपने तहरीर दी है? जी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।